पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में आप बात करोगे बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के बारे में, कि ये रिलेशनशिप किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि जो पॉपुलेशन है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि सपोज आपके पास कोई एक इको सिस्टम है, कोई एक क्या है, इको सिस्टम है, ये क्या है आपका, कोई एक इको सिस्टम है। इस इको सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, रह रहे हैं। इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगा इंट्रैक्शन, इनके बीच में क्या होगा, होगा इंट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जो पॉपुलेशन है, अगर हम इंट्रैक्शन की बात करते हैं, मेनली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, तो मेनली आप बात करोगे, या तो आप किसकी बात करोगे, एनिमल्स की बात करोगे, एनिमल्स की आप बात करोगे, साथ में आप किसकी बात करोगे, प्लांट्स की बात करोगे, एंड साथ में आप किसकी बात करोगे, तो आप माइक्रोब्स की बात करोगे, ठीक है। अब इन्हीं के बीच में क्या होगा, इन्हीं के बीच में होगा इंट्रैक्शन, इन्हीं के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन। अब ये इंट्रैक्शन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कौन सा इंट्रैक्शन किसके लिए सही है, किसके लिए नहीं सही है, यहां सही और नहीं सही में डिफरेंस आप ये समझना कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करते हैं, तो वो इंट्रैक्शन एक दूसरे के लिए या तो बेनिफिट होंगे, मतलब बेनिफिशियल होंगे दोनों के लिए, या किसी एक के लिए बेनिफिशियल होंगे, दूसरे के लिए क्या होंगे, हार्मफुल होंगे, या ऐसे इंट्रैक्शन जो एक दूसरे से इंट्रैक्ट करें, ना तो वो बेनिफिट पहुंचा रहे हैं एक दूसरे को, ना ही तो वो हार्म पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो मेजरली पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में हम डिफरेंट डिफरेंट इंट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ डिफरेंट इंट्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे, जैसे हम बात करेंगे म्यूटालिज्म के बारे में बात करेंगे, कॉम्पिटिशन के बारे में बात करेंगे, प्रेडेशन के बारे में बात करेंगे, पैरासिटिज्म, कॉमन सेलिज्म और एनासेलिज्म, ये डिफरेंट टाइप के क्या है, इंट्रैक्शन है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हमने बात किया, यहां पर हमने बात किया कि चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, ये ऑर्गेनिजम्स कभी भी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, ये कभी भी आइसोलेशन में नहीं रह सकते, कभी भी आइसोलेशन में सेपरेट नहीं रह सकते हैं एक दूसरे की इंपॉर्टेंस अभी आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर ऑर्गेनिजम्स में बात किया प्लांट्स के बारे में, तो हम प्लांट्स को अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, तो सपोज जो प्लांट है वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है, तो फूड प्रिपेयर कैसे करता है, वो फूड कैसे प्रिपेयर करता है, फूड का फॉर्मेशन कैसे करता है, तो आप देखोगे ये किसके थ्रू करता है, बाई फोटो सिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, कि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूज होते हैं, न्यूट्रिएंट का जो एक्युमुलेशन है, यहां पर जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तब जाकर के क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, मींस यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात समझना आप, कि जब भी यहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जब भी यहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो ये आपका क्या है, प्लांट है, और ये प्लांट का क्या है, रूट पार्ट है। मींस अगर आप इस पार्ट को देखो तो ये किसका पार्ट है, प्लांट के रूट का पार्ट है, और अगर आप इस पार्ट को देखते हो तो ये पार्ट क्या है, प्लांट का सूट पार्ट है, और यहीं पर क्या होता है कि प्लांट के लीव्स प्रेजेंट हैं, जिसमें इस लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो इसके अंदर प्रेजेंट है पिगमेंट मॉलिक्यूल, इस लीव के अंदर क्या प्रेजेंट है,
क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरो फिल प्रेजेंट है, और ये एक तरह का क्या है, तो ये एक तरह का पिगमेंट है। अब जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है तो प्लांट क्या करता है कि यहां पर जो सॉइल अवेलेबल है, ये जो रूट के सराउंडिंग में सॉइल अवेलेबल है, सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो वाटर और साथ में क्या प्रेजेंट है, मिनरल्स। ठीक है, अब इस सॉइल के अंदर अगर आप देखते हो तो क्या क्या प्रेजेंट है आपका, एक तो वाटर प्रेजेंट है, साथ में मिनरल्स प्रेजेंट है। अब ये वाटर और मिनरल प्लांट क्या करता है, प्लांट क्या करता है, तो सॉइल के थ्रू मींस रूट हेयर सेल्स के थ्रू, यहां पर जो रूट हेयर सेल्स हैं रूट से, तो ये रूट हेयर सेल्स के थ्रू बेसिकली वाटर और मिनरल को क्या करता है प्लांट, एब्जॉर्व करता है। प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। तो जो प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया, मींस ये जो कार्बोहाइड्रेट बना, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में है, लेकिन प्लांट जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस परफॉर्म करता है, वो एब्जॉर्प्शन में जो मिनरल होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। मीन्स सॉइल के अंदर जो मिनरल प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर जो मिनरल प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है, तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में है। अब सवाल ये आता है कि प्लांट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करके अपना जो फूड प्रिपेयर कर रहा, वो तो ऑर्गेनिक फॉर्म में ग्लूकोज है, ठीक है, लेकिन जब यही प्लांट एक लाइफ स्पैन जीने के बाद प्लांट जब डेड कर जाते हैं, तो यही प्लांट्स के अंदर जो मिनरल होते हैं ना, ये सॉइल्स के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, और सॉइल के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स इन ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ मिनरल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर प्लांट जो है, प्लांट को डायरेक्टली कौन हेल्प कर रहा है, माइक्रोब्स हेल्प कर रहे हैं। किस वे में हेल्प कर रहे हैं, तो जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं सॉइल के अंदर, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इनऑर्गेनिक में कौन कन्वर्ट कर रहा है, तो माइक्रोब्स। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कौन कन्वर्ट कर रहा है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स ये कौन कन्वर्ट कर रहा है, तो ये कन्वर्ट कर रहा है माइक्रोब्स, ये कन्वर्ट कौन कर रहा है, माइक्रोब्स। और ये पूरा प्रोसेस कहां चल रहा है, ये पूरा प्रोसेस कहां चल रहा है, तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है इन सॉइल। उसके बाद बेसिकली प्लांट क्या कर रहा है, उसके बाद बेसिकली इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्लांट क्या होगा, एब्जॉर्व करेगा। एब्जॉर्व करेगा और अपने डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में प्लांट इसको क्या करेगा, यूज करेगा। तो आप देख रहे हो कि यहां पर प्लांट और ये माइक्रोब्स एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं, एक दूसरे के लिए बेनिफिट हैं, ठीक है। तो आप ये इंट्रैक्शन समझ पा रहे हो। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, पहला एग्जांपल तो आपको समझ में आया कि प्लांट किस तरीके से माइक्रोब्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, तो प्लांट्स में बेसिकली अगर आप बात करते हो, अगर आप प्लांट्स में देखो, तो एक प्रोसेस होता है जिसको आप बोलते हो क्या, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन प्रोसेस में होता क्या है कि पॉलन ग्रेन का क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो है एक तरह का क्या होता है, एक तरह का मेल गैमेट इन प्लांट्स। ये पॉलन ग्रेन जो है एक तरह के मेल गैमेट होते हैं प्लांट्स के, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर कौन कर रहा है, तो ये ट्रांसफर होते हैं
किसी न किसी बर्ड या पॉलिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स या तो कोई एनिमल हो सकता है, या तो कोई बर्ड हो सकता है, या विंड के थ्रू या एयर के थ्रू भी ये पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मूव करते हैं। तो जो ये प्रोसेस है ना पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है ये भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसी ना एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है, बर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, विंड के ऊपर डिपेंडेंट है, या एयर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप समझ रहे हो ना कि यहां पर जो एक दूसरे के साथ जो इंट्रैक्शन हो रहा है, एनिमल का प्लांट के साथ, प्लांट का माइक्रोब के साथ, ये एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, ये दूसरे एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आया? तो यहीं पर आप बात करते हो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के बारे में बात करते हो। अब देखो, अगर आप यहां पर अंडरस्टैंड करते हो कि पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में अगर आप बात करते हो, या आप सिंपली बोलो कि पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में अगर आप बात करते हो, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की अगर आप बात करते हो, तो ये पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में आप मेनली ये चीज देखते हो कि यहां पर अगर आप बात करते हो कि जो ये इंट्रैक्शन है, ये जो इंट्रैक्शन है, ये इंट्रैक्शन या तो एक दूसरे के लिए क्या होंगे, या तो ये इंट्रैक्शन एक दूसरे के लिए क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे, या एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे, ठीक है, या तो एक दूसरे के लिए डेट्रीमेंटल होंगे, डेट्रीमेंटल होंगे, या आप कह सकते हो एक दूसरे के लिए हार्मफुल होंगे। बात क्लियर है? या तीसरा टाइप का जो है इफेक्ट जो है, या एक दूसरे के लिए क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जब पॉपुलेशन इंट्रैक्शन आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, तो इस इंट्रैक्शन का जो आउटकम होता है, इस इंट्रैक्शन का जो आउटकम है, ये तीन फॉर्म में है, ये थ्री डिफरेंट आउटकम्स निकलते हैं। या तो वो इंट्रैक्शन एक दूसरे के लिए बेनिफिट होंगे, जब वो एक दूसरे के लिए बेनिफिट होंगे तो उस बेनिफिट को आप रिप्रेजेंट करते हो साइन की हेल्प से, पॉजिटिव सिंबल से, या तो एक दूसरे के लिए क्या होंगे, हार्मफुल होंगे, मतलब एक दूसरे को बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे हैं बल्कि एक दूसरे को हार्मफुल इफेक्ट दे रहे हैं, तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हो नेगेटिव साइन से। और अगर कोई ऑर्गेनिजम्स आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं और उनके इंट्रैक्शन से एक दूसरे को ना तो वो बेनिफिशियल कर रहे हैं, ना तो कोई हार्मफुल इफेक्ट दे रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं दे रहे, इट मीन्स यहां पर जो इंट्रैक्शन है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो जीरो से। अब इसी चीज को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो, तो सपोज कोई ए ऑर्गेनिज्म है और कोई बी ऑर्गेनिज्म है, जब ये ऑर्गेनिजम्स आपस में इंट्रैक्ट हुए, तो इंट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसा इफेक्ट दे रहे हैं, मींस एक दूसरे को पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं, मींस एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह के इंट्रैक्शन को आप बोलते हो कि एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर यहीं पर आप बात करते हो कि कोई सी ऑर्गेनिज्म है, कोई सी ऑर्गेनिज्म है, कोई सी ऑर्गेनिज्म है और कोई डी ऑर्गेनिज्म है, जब एक दूसरे को इंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को बेनिफिट देने के बजाय वो एक दूसरे पर हार्मफुल इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो इसे आप नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हो। और अगर इन केस यहां पर कोई ई ऑर्गेनिज्म और कोई एफ ऑर्गेनिज्म है, जब ये एक दूसरे को इंट्रैक्ट करते हैं, तो इंट्रैक्शन की वजह से ना तो यहां बेनिफिट हो रहा है, ना तो यहां हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, कोई एक दूसरे को बेनिफिट ना हार्मफुल, तो ये कैसा आउटकम निकला यहां पर कि ये आउटकम जो है वो एक तरह का न्यूट्रल इफेक्ट दे रहा है, तो इसको आप जीरो से
रिप्रेजेंट करते हो। तो ये एक तरह के सिंबल हैं। इस साइन से आप ये समझ सकते हो कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को कैसे इंट्रैक्शन है। अब अगर आप बात करते हो टाइप ऑफ इंट्रैक्शन के बारे में, अगर आप बात करते हो टाइप ऑफ इंट्रैक्शन के बारे में, तो यहां पर कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं जिसको अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली कि ये जो टाइप ऑफ इंट्रैक्शन है, अगर आप बात करते हो स्पीसीज ए के बारे में, साथ में आप बात करते हो स्पीसीज बी के बारे में, और इनका नेम ऑफ इंट्रैक्शन या आउटकम ऑफ इंट्रैक्शन आप बोल सकते हो कि वो कैसा है, इसको आप बोल रहे हो नेम ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो यहां पर, तो कोई स्पीसीज ए है, कोई स्पीसीज बी है, और इनके ये क्या है, नेम ऑफ इंट्रैक्शन है, ठीक है। ये अगर आप इसको कनेक्ट कर देते हो तो बेसिकली आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हो कि इस तरह का इंट्रैक्शन को आप क्या बोलते हो। अब देखो, अगर कोई ए और बी स्पीसीज आपस में जब इंट्रैक्ट कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, इंट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए स्पीसीज के ऊपर बी स्पीसीज का तो कैसा इंपैक्ट है, पॉजिटिव इंपैक्ट है, लेकिन ए स्पीसीज पर पॉजिटिव इफेक्ट है और बी स्पीसीज पर भी ये एक दूसरे को पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं, तो इस तरह के इंट्रैक्शन को आप बोलते हो म्यूटालिज्म। इस तरह के इंट्रैक्शन को आप क्या बोलते हो, म्यूटालिज्म, ठीक है, या आप बोल सकते हो म्यूटालिज्म, ठीक है। मींस दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली इंट्रैक्ट कर रहे हैं, और म्यूचुअली इंट्रैक्ट होने के बाद जो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, मींस स्पीसीज ए जो है स्पीसीज बी को बेनिफिट दे रहा है, और स्पीसीज बी जो है स्पीसीज ए को म्यूचुअली बेनिफिट दे रहा है, मींस ये म्यूचुअल इंट्रैक्शन है, दोनों स्पीसीज एक दूसरे के इंट्रैक्शन की वजह से बेनिफिटेड है, ठीक है। पॉजिटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, मींस यहां पर एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, ठीक है। हमने यहां पर समझा साइन की हेल्प से कि वो इफेक्ट कैसा दे रहे हैं, ठीक है। दूसरे अगर आप बात करते हो, दूसरे कैटेगरी की अगर आप बात करते हो, तो यहां पर आप अंडरस्टैंड करते हो कि जब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं, तो इस तरह के इंट्रैक्शन को आप बोलते हो कि कॉम्पिटिशन टाइप के इंट्रैक्शन है। और अगर आप बात करते हो कि एक पॉजिटिव है, मींस एक ऑर्गेनिज्म पर पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, दूसरे पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो इसको आप बोलते हो बेसिकली प्रेडेशन टाइप के क्या है, इंट्रैक्शन है, ठीक है। प्रेडेशन और पैरासिटिज लगभग दोनों में सिंबल के फॉर्म में एक तरह से हैं, लेकिन यहां पर थ्योरी थोड़ी डिफरेंट है। तो यहां पर आप बात करते हो पैरासिटिज्म के बारे में, पैरासिटिज्म के बारे में। और तीसरा जो इंट्रैक्शन है, इसको आप बोलते हो कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है, बट दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस तरह के इंट्रैक्शन को आप बोलते हो कॉमन सेलिज्म, ठीक है। और चौथा इंट्रैक्शन जस्ट इसका रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो अगर आप बात करते हो यहां पर, तो इस पर तो नेगेटिव इफेक्ट आता है, इस पर कोई भी ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, न्यूट्रल टाइप के इफेक्ट है, इसलिए आप इसको बोलते हो क्या, एनासेलिज्म, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्या है, आपके इंट्रैक्शन है, और ये सिंबल है, साइन है, इसकी हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ऑर्गेनिज्म के बीच में किस तरह के इंट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक और है इसके अंदर, इन सारे टर्म्स को थोड़ा और डिफाइन हम कर देंगे, तो एक लेक्चर और होगा, एक पार्ट और आएगा